से मत करिए, क्योंकि ये काम है हमारा। नहीं सादा भी आप ये इसको रोकेंगे क्या, क्या चीज़ करेंगे? प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट। नहीं सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जैसे आप मेरे से जैसे रिक्वेस्ट करो, मैं भी आपसे। मैं प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगे ना। तो अभी क्या कर रहा हूँ, वापस है जी। मेरे को रोकना से आप मतलब मेरे को रोकने से क्या चीज़ करोगे? आई रिक्वेस्ट, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आपको नहीं रोक रहा हूँ, जो जो ये सिस्टम है ना, लंबे समय से हमको यहाँ रोड पे बैठा के रखा हुआ है, हम उसी को रोक रहे हैं। जरूरी नहीं सर, जरूरी एम्बुलेंस चाहिए सर। नहीं ना भी नहीं, ये मैसेज था ना, इन्हें करके था नहीं, हजे तो चल रही है गलबात, यही अभी रोड खोलन को लेके आ, पर नहीं ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि असं भी लंबे समय तो इस चीज़ के लिए कड़पे हुए हैं। आर्मी का काफला भी अभी रोका गया था, तो फिलहाल वैसे तो उनको कुछ देर रोका, उसके बाद उसको जाने दिया। नहीं, आर्मी कौन देखे, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो वो गलवाई हो रही थी कि दैट इज नॉट। साड़ी बहुत वड्डी प्रॉब्लम है साढ़े ना, इस की बेअदबी तकरीबन पिछले 8 साल तो लगातार हो रही है, साढ़े गुरु ग्रंथ साहब गलियां चखला रह गया। मैं समझता हूँ, मगर हमारा भी जो आपको आपको पता है हमारा जो जो काम है वो जो काम है वो तो नहीं, साडा भी एक काम है जी, साडा भी साढ़े इस प्रति काम है। तो अभी क्या कर रहा हूँ, वापस है जी, ऐसे मत करिए, क्योंकि ये काम है हमारा। नहीं साडा भी आप ये इसको रोकेंगे क्या, क्या चीज़ करेंगे? प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट। नहीं सर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जैसे आप मेरे से जैसे रिक्वेस्ट करो, मैं भी आपसे मैं भी यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट है। सो प्लीज़ असी भी मतलब तकरीबन पिछले 8 साल तो नियर अबाउट 8 ईयर्स, मैं समझता हूँ मगर प्लीज़ काम भी हमारा वैसे ही है। नहीं हमारा सर, हमारा काम भी यही है ना, इसीलिए प्रोटेस्ट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता लगे ना। जरूरी सर, प्लीज़ रिक्वेस्ट। सानू कोऑपरेट करो थोड़ा, तुम मैं भी आपसे हमारा काम इधर है अभी समझते, अगर कोई ऐसा चीज़ होता है तो फिर मेरे को रोकना से आप मतलब मेरे को रोकने से क्या चीज़ करोगे? आई रिक्वेस्ट, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको नहीं रोक रहा हूँ, जो जो ये सिस्टम है ना लंबे समय से हमको यहाँ रोड पे बैठा के रखा हुआ है, हम उसी को रोक रहे हैं। मैं समझता हूँ, अगर बाकी आप उसी आप उस सिस्टम के अंदर ही आते हो, सिस्टम मतलब मैं आपके बात बिल्कुल सहमत हूँ, वो आपके पीछे जो पुलिस ऑफिसर खड़े हैं तो उनसे भी पूछे हैं, तब जाके बात करूँगा मैं, बात इनसे ही करूँगा क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है, इनसे ही बात करूँगा। पर हमारी हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज़ अदर रोड से जा सकते हैं। मैं इसके बाद वापस जब मैं वापस आऊँगा तो तब हमारा थोड़ी पता है हम होंगे यहाँ के नहीं होंगे, प्लीज़ बताइए। जरूरी एम्बुलेंस चाहिए सर, इन्ना भी नहीं, ये मैसेज तो इन्हें इन्हें करके देना, ਬਈ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਣ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਾਇੰਡਲੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਇੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕੀ ਅਕਸਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫਿਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ,
साढ़े इस की बेअदबी पूरे पंजाब मतलब हो रही है तो देश इस प्रति की कर रहा है ये भी तो मतलब असं मैसेज ही देना ना उदा मैं सर एज ए मिलिट्री पुलिस चो हौलदार रिटायर हाँ ये थोड़ा भी रूट मैं वाजब समझदा पर लेकिन साढ़ा भी जोड़ा साढ़े दसवें पातशाह का ग्रंथ साढ़िया गया उस विषय से ही थोड़े ना ये डिले कर रहे हैं साढ़ा इतने कोई चा नहीं शौक नहीं साढ़ा बैठन का इतने मैं थोड़ी मजबूरी समझा मैं मिलिट्री पुलिस चो रिटायर हाँ मैं 1971 की लड़ाई लड़ी आ लेकिन तुम साडा दर्द पहुँचाओ जो सा मुख्यमंत्री तक पहुँचाओ आपके डिफेंस तक पहुँचाओ अभी तो रिक्वेस्ट करते हैं भी साडा दर्द तो ही पहुँचाओ रिक्वेस्ट है तुम अपने मतलब किसी ऑफिसर इस चीज़ तो जरूर जाणू करवाओ कि सानू इस चीज़ करके रोकया गया साडी रिक्वेस्ट है नहीं मतलब मैं रोकता नहीं है मैं मतलब जा सकते हो ये नहीं कहता मैं पर साढ़े सामने तुसी एक मैसेज तो ला सकते हो भी रोक के जरा सुखराज सिंह वालों सवाल जो है कुछ किए गए एक सुनेहा जो दिता गया सरकार के नाम के गुरु ग्रंथ साहब जी दर्जियां जोड़ियां की धरती तो 2015 तो हो रही सुखराज सिंह वालों रोक के सुनेहा दिता गया कि पंजाब की धरती के गुरु ग्रंथ साहब जी बेअदबी दी घटनावां जिहड़ियां ने 2015 तो हो रही तुसीं भी साडा सुनेहा लाओ तो पुलिस प्रशासन जिहड़ा मौके पर उन्हां वल्लों भी यह सिफारिश की गई कि फौज का दस्ता इहनूं कोई रोक नहीं सकता साढ़े कोल भी इस दस्ते नूं रोकण दी जिहड़ी हैगी आ कोई जिहड़ी हैगी आ वो अहमियत नहीं की तो दस्ते नूं जाण दित्ता गया ये तुसीं देख सकते हो बहबल कलां मोर्चा जिथे कल तो बीते कल तो जिहड़ा दोनों सड़कां जाम सी तो फौज का एक वड्डा दस्ता आया जिन्हां नूं रोक के सुखराज सिंह वल्लों कुछ सवाल जिहड़े हैगे कीते गए तो अंत नूं जिहड़ा हैगा वो फौज का टोला जिहड़ा इत्थों अगे लंघ रहा है ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਰੀ ਨਗਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਰੋਡ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕਲਪੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੋਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਤਿਅੰਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 17 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਊਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ IG ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਲੇ ਸਮੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਆ
तीन महीने दस दिन भी दिन छे दिन पंद्रह दिन करते करते 31 जनवरी 2023 की तरीक जी रखी गई सभी 31 जनवरी तक रुक जाओ असं इंसाफ देंगे पर नहीं होया तो आखिर 5 फरवरी को कट करके जोड़ा दोनों सड़क जाम कर दिखाई ने माहौल किस तरह का तुम देख सकते हो टेंट आ जिस टेंट के कल वड्डा पंथक इकट्ठ जो किया गया वड्डी गिनती सिख संगत हाजिर हुई पंथ के जोड़े है बहुत सारे आगू जोड़े आ हाजिर होए उन्होंने स्पीचा कीतियां उन्होंने अपन तकरीर पेश कीतियां और ये वो तंबू है जोड़ा 2021 तो लैके लगातार लग्या होया इस तंबू के जोड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश भी है और इतने वड्डी गिनती संगत भी जुड़ती है ये तंबू के शुरू तो लैके जोड़ा भाई कृष्ण भगवान सिंह के पुत्र सुखराज सिंह भाई गुरजीत सिंह बिट्टू सरावान के जोड़ा पिता साधु सिंह जी बुजुर्ग उन्होंने वालों जोड़ा मोर्चा चल रहा है तो आखिर पंजाब की सरकार जी है वो किहड़े हालातों के ये मसले को लेकर इंसाफ दे विच देरी कर रही है अदालती कार्रवाई दे विच आखिर देरी क्यों हो रही है क्योंकि सरकार ने भी कहा सी और जिस पार्टी की सरकार है पंजाब दे विच अरविंद केजरीवाल सुप्रीमो ने आम आदमी पार्टी तो उन्होंने कहा भी 24 घंटे की गल आ इंसाफ दे देंगे इदा उन्होंने स्टाइल से आखिर 24 घंटे जोड़े कहे गए वो एक साल के नेड़ तेड़ होने वाला सरकार आई नूं इंसाफ क्यों नहीं दिता जा रहा बहुत सारे सवाल ने सुखराज सिंह वालों मोर्चा जोड़ा वो लग्या होया जुड़े रहो देखते रहो किस तरह का माहौल और अगली जी है कोई भी अपडेट होएगी तो तुम चैनल पर देख सकते हो धन्यवाद एस्पिरेशंस हैं उन्होंने भी जी गलबात है वो भी मैं आप इंश्योर किया आपने कहा है कि वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होना है तो जल्दी आप बेसिकली इंश्योर करेंगे कि जितना स्मूथ मूवमेंट जितना जल्दी छेती हो सकता है आप कराइए। आर्मी का काफिला भी अभी रोका गया था तो फिलहाल वैसे तो उनको कुछ देर रोका उसके बाद उसको जाने दिया नहीं, नहीं, आर्मी का देखिए दैट इज नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो वो गलवाई हो रही थी कि दैट कैन नॉट बी वो रेयर मूवमेंट जितने होंगे वो सारे सब मिल के आप इंश्योर कि जितना बेस्ट टू बेस्ट आप कर सकते हैं वो आप करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी के मामले में जितने आर्मी के कोनो है वो इन्होंने नाल मैंने इनको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है इन्होंने आप ना करिए तो दे एग्रीड कि हाँ नेशनल इंटरेस्ट में जड़ी गल है ये बाकी के वास्ते इन्होंने अपना रिसेंटमेंट जाहिर किया है वो आप मिल बैठ के वी विल इंश्योर कि पॉजिटिव चीज़ें निकल आए और जल्दी हम इस समस्या का हल कराएंगे। बेशक पुलिस वालों जो डिवाइड कर दिता है ट्रैफिक डिवाइड कर दिता है लोगों को परेशानी तो फिर भी आ रही है कि लगता है जल्दी खुलूगा अखीर लसो बिल्कुल जी जल्दी से जल्दी हम लोग सरकार वचनबद्ध है कि जी इन मांगे हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है टाइमली कंप्लीट हो वो जल्दी होगा जी तो आप इतने मूवमेंट छेती से छेती आप स्मूथ करावेंगे जल्दी से रिजल्ट आएगा। थैंक यू सर।